धनबाद के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के नरेश टेक्सटाइल में रात लगभग 2 बजे भीषण आग लग गई, जिससे दुकान में रखे सामान जलकर खाक हो गए। बता दें कि अगलगी में 5 लाख से अधिक के नुकसान का अंदेशा लगाया जा रहा है। दुकान से आग की लपटें देखकर बैंक मोड़ थाना की पेट्रोलिंग गाड़ी रुकी और अग्निशमन विभाग को फोन कर जानकारी दी, साथ ही दुकान के मालिक को भी सूचना दी गई। बाद में दमकल की गाड़ी और स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया, लेकिन आग लगने से दुकान में रखे दरी, चादर और कपड़े जल गए, जिसमें की 5 लाख से अधिक का नुकसान बताया जा रहा है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। कार से ही तो पूरा आग लगा है। तार जैसे अनार जलता है उस तरह से चिंगारी जो है तार में रात में जो है रात में आए तो क्या देखिए किस तरह से? हमारा शटर के ऊपर चिंगारी उसका गिरा और उसी से पूरा आग भड़क उठा। क्या देखे रात में आए तो क्या देखे? रात में आए तो देखे कि भाई पूरा कार से आग निकल रहा है, पूरा पड़ा रहा है एकदम ज्वाला की तरह, और दुकान पूरा मेरा उसी में जो है लहक गया है। कपड़े की दुकान थी? कपड़े की दुकान, दुकानदार का नरेश टेक्सटाइल का, कल करीब करीब सब सारा माल जल करके राख हो गया, काफी नुकसान हुआ है, जो एक संवेदनशील मामला है। एक बड़ी घटना हो सकती थी यहाँ पे? बड़ी घटना हो सकती थी, लेकिन ये घटना कैसे घटी है ये इंक्वायरी का विषय है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट से हुआ या फिर बिजली की तारें जा रही थी उससे हुआ ये तो जांच का विषय है, लेकिन हमारा दुकानदार जो था वो पूरी तरह से आज के डेट में उसका सारा माल जल के राख हो चुका है और बेचारे के लिए स्थिति बहुत अच्छी नहीं। इलेक्ट्रिक का तार गिरने की वजह से आग लगा, हमारी टीना के ऊपर से इलेक्ट्रिक का तार लेके गया, अभी नया लगाया ही है, 15 दिन हुआ लगाए हुए, उसी में आग लगा, वो टूट के गिर गया, आधा उधर आधा इधर, उसी का कोई छींटा हमारी दुकान पर गिर गया, उसी से आग लग गई। क्या किस चीज़ का दुकान था ये? हमारे कपड़े की दुकान है, बेडशीट होम फर्निशिंग पूरी। कब पता चला कि आग लगा? हमारे को बैंक मोड़ थाना से फोन गया रात को 2:10 पर, आए तो देखे पूरा भड़क रहा था, फिर दमकल को फोन किया गया तो दमकल आने में थोड़ा विलंब हो गया, उस कारण से जो है आग पूरी लग गई। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।